झारखंड के जिला सिमडेगा में सूचना भवन सभाकक्ष में पोषण ट्रैकर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा सेमिनार का भी आयोजन किया गया। वहीं पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी के माध्यम से विभिन्न प्रकार जैसे VHSNHT, एनीमिया, गृह भ्रमण, बच्चों का माप आदि वितरित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को पोषण ट्रैकर में से ट्रैक करने और इनमें सुधार करने तथा लाभार्थियों के पोषण प्रबंधन को सुनिश्चित करने का उद्देश्य से तैयार किया गया है। वहीं पोषण अभियान के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक पोषण ट्रैकर भी है। इसे जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करने में सहयोग करता है। यह 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं सहित लाभार्थियों के पोषण संकेतक रिकॉर्ड करता है। इसके माध्यम से समय पर लाभ से वंचित रह जाने वाले लोगों की वास्तविक समय के आधार पर पहचान की जा सके और इसके लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सके। वहीं जिले के मास्टर ट्रेनर श्रीमती अंजनी ज्योति टोपनोग ने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को पोषण ट्रैकर का धरातल पर सफल क्रियान्वयन के उद्देश्यों के बारे में बताया। साथ ही अंतिम व्यक्ति को ट्रैक कर उन्हें पोषण युक्त बनाने की दिशा में प्रयास के कारकों के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर के ऑनलाइन विधि के बारे में भी बताया गया। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती रेणु बाला ने प्रशिक्षण सेमिनार में आए आंगनबाड़ी सेविका से कहा कि पोषण ट्रैकर के बारे में बताए जा रहे सभी गुणों को अच्छे से अमल करें ताकि ग्राउंड में इसका परिणाम बेहतर हो। वहीं महिला पर्यवेक्षिका विजया लक्ष्मी, अंजनी कुमार, रूपा तारा ने भी पोषण ट्रैकर के बारे में जानकारी दी। अखंड भारत न्यूज़ के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।